जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाओ फान और सीनियर लू जब नीचे गिर गए थे तो उन्हें वहाँ बग यू और उसकी आंटी की थी और उन दोनों ने इन पर हमला कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आकर इन सभी पर हमला कर देता है। ज़ाओ फान अपने मैजिकल वेपन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना शक्तिशाली था कि वो उसको उसके मैजिकल वेपन के समेत दूर फेंक देता है। ज़ाओ फान वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर मौका पाकर काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक मॉन्स्टर पर असर नहीं कर रहा था। भागियो और आंट भी वहाँ आकर मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करती है और सिस्टर लू अपनी तलवार से उसके ऊपर छोड़कर उसके काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी को कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए भागियो और सीनियर लू एक एक साइड से उस पर एक साथ हमला करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी से उन दोनों को दूर फेंक देता है। ज़ाओ फान सीनियर लू को गिरने से बचाता है और आंट भागियो को गुस्सा आ जाता है और फिर वो मॉन्स्टर के पास जाने लगती है, लेकिन उसकी आंट उसे रोक कर कहती है कि कुछ भी जोश में आकर ऐसा मत करो जिससे बाद में पछताना पड़े। ज़ाओ फान घायल हुई सीनियर लू को गोद में उठाकर अपने मैजिकल वेपन का यूज करके वहाँ से उड़कर भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे गिरा देता है। इसलिए ज़ाओ फान सीनियर लू को एक पत्थर के पीछे बैठाकर खुद मॉन्स्टर से लड़ने जाता है और अपने मैजिकल वेपन का यूज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। बागियो भी मॉन्स्टर को मारने के लिए आंट के मना करने पर भी आगे बढ़ती है और ज़ाओ फान अपनी सूझबूझ और अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को दर्द देने में कामयाब हो पा रहा था। अब बागियो भी उस पर अपना अटैक करती है और उसकी बॉडी पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो दोनों मिलकर भी मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे थे और अब उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ लड़ाई की वजह से पहाड़ टूट जाते हैं और एक गुफा निकलकर बाहर आती है जिसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। बागियो तुरंत वहाँ जाने लगती है और ज़ाओ फान भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मॉन्स्टर का सारा ध्यान अब ज़ाओ फान को मारने पर था, इसलिए ज़ाओ फान को ऊपर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो उड़कर कैसे ना कैसे करके वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है मॉन्स्टर अपनी एनर्जी छोड़ता है जिससे वहाँ फिर से पहाड़ टूटने लगते हैं और एंट्री गेट बंद हो जाता है, यानी अब ये दोनों इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बागी उसे ताना मारती है और कहती है कि तुम्हारी हड्डी टूट चुकी है फिर भी इतना साहस दिखा रहे हो। अब देखा क्या हुआ साहस दिखाने से, मैं तुम जैसे गंदे लड़के के साथ यहाँ इस गुफा में बंद हो गई हूँ। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन अगर अब ये ऐसे ही लड़ते रहे तो ये यही पड़े पड़े मर जाएंगे, इसलिए ये बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लू के बाकी साथी आ जाते हैं और वो सीनियर लू को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ये बात अच्छी है कि ये दोनों जिंदा हैं। वो सीनियर लू से ज़ाओ फान के बारे में पूछते हैं, लेकिन बेहोश होने की वजह से उसको नहीं पता चला कि ज़ाओ फान कहाँ चला गया है। सभी लोग आसपास ज़ाओ फान को खोजने लगते हैं। आंट ये सब छुपकर देख रही थी। वहीं ज़ाओ फान गुफा के अलग अलग चेंबर में जाकर एग्जिट खोज रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता और यही हाल बागियो का था। और वो दोनों फिर से खोजते खोजते एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी ये एक डेड एंड है। लेकिन तभी ज़ाओ फान कहता है कि मुझे ब्लड स्टोन दिखा और इस पर वो आश्चर्य जताते हुए पूछती है कि वो कहाँ है। वो दोनों फिर ब्लड स्टोन की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ जाने पर एक लाल झरना था जिसके बीच में कई सारे ब्लड स्टोन है। ये कैसे बहते हुए खून की तरह लग रहा है। और फिर वो उस पानी को देखने लगती है और जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती है वहाँ एक हलचल होती है जिससे उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो एक नीचे वाली गुफा में पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक गेट मिलते हैं जिसे खोलकर वो दूसरे चेंबर में जाते हैं। ये जगह ब्लीडिंग होल है और इसको देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ काला जादू प्रैक्टिस किया जाता हो। ज़ाओ फान को ब्लड होल के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए बागियो बताती है कि 800 साल पहले एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वहाँ फिर वो एक कंकाल को देखते हैं और वो बताती है कि ये वही एंशिएंट ओल्ड मैन है। ये 800 साल पहले ब्लड रिफाइनिंग हॉल का सुजेरियन था और इसे अपने टाइम का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। ये ब्लड रिफाइनिंग होल है और यहाँ पर इनका सारा खजाना रखा जाता है। अब ज़ाओ फान मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते काफी घायल हो गया था और अब तक जो वो टिक पा रहा था वो बस कैसे ना कैसे करके टिका हुआ था। अब वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। ज़ाओ फान बीमार हो गया है और वो बुखार की वजह से तपा जा रहा है। बागियो उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से हील करने की कोशिश करती है और उसके ऊपर अपना रुमाल गीला करके रखती है और वो बेहोशी की हालत में 5 साल पुरानी बात दोहराने लगता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, पूरे गांव को उजाड़ डाला, मैं तुमसे लड़ूंगा, मम्मी आप कहाँ हो, सब लोग कहाँ हैं। वो इस ड्रामा से शायद अब तक बाहर नहीं निकल पाया है और ये सब देखकर बागियो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ज़ाओ फान को बुखार की वजह से काफी ठंड लगने लगती है और वो कपकपाता हुआ बेहोश हो जाता है। बागियो उसके ऊपर लिपट जाती है और उसे गर्मी पहुंचाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। वहीं बाहर वो लोग ज़ाओ फान को काफी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता कि ज़ाओ फान आखिर कहाँ है। अब सीनियर ज़ेंग कहता है कि शायद ज़ाओ फान अब हमारे बीच नहीं रहा है, अब शायद हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम वापस चले जाएं और इस सब की खबर मास्टर को दें।
सीनियर लू को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि मैं अकेले ही ज़ाओ फान को खोज निकालूंगी। मॉन्ग भी अब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। सभी सीनियर लू को वापस चलने को कहते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है कि वो ज़ाओ फान को खोज के रहेगी। वो याद करती है कि कैसे ज़ाओ फान ने उसे हर बार बचाया था। असल में सीनियर लू के मन में ज़ाओ फान के लिए शायद फीलिंग्स है। वही बेहोश हुए ज़ाओ फान की अब आँख खुलती है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, यानी बागुइयों को हील करने का काम आ गया है। वही बागुइयों का खाना खाने का बैग पड़ा था जो कि खाली था। असल में उसने बेहोश हुए ज़ाओ फान को ठीक करने के लिए सारा खाना खिला दिया है। ज़ाओ फान फिर आसपास की जगह को देखने लगता है और वहाँ तभी एंशिएंट ओल्ड घोस्ट की बॉडी आकर गिर जाती है। ज़ाओ फान डर जाता है लेकिन फिर उसे उठाकर उसकी सही जगह पर रख देता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो कंकाल पूरी तरह से टूट जाता है और बागुइयों की आंखें खुल जाती हैं और वो जगह अब गिरने लगती है। उनको एक खुला हुआ गेट मिलता है और बागुई को लगता है कि ये एग्जिट है, इसलिए वो तुरंत वहाँ भागने लगती है। ये जगह बहुत अंधेरी गुफा की तरह है और यहाँ जमीन पर पानी फैला हुआ है। ज़ाओ फान कहता है कि वो स्कल अपने आप जमीन पर गिर गया था और मैंने सिर्फ उसे वापस रखा था। आखिर ये जगह अपने आप फिर कैसे खुल गई? फिर उन्हें फिर चलते चलते रोशनी दिखाई देती है और वहाँ एक पत्थर पर लिखा था कि दया ना पी जाएगी, पछतावे का बोझ बहुत बुरा होता है। गोल्डन बेल क्रिस ब्लड डेवरिंग मिस्टेक टोटल लाइफ। ये पढ़कर बागुई को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये तो अधूरी पोयम है। अब ज़ाओ फान यहाँ और भी चीजें देखने लगता है और तभी बागुई उसे डांट कर कहती है कि ये होली लैंड है, अगर तुम बिना बताए यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहोगे तो हम दोनों ही मर जाएंगे। अब फिर तभी उन्हें एक और चैम्बर दिखाई देता है और वहाँ उन्हें दो मूर्तियाँ दिखाई देती हैं जो शायद इनके भगवान की ही लग रही हैं। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।